हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे डायूरेटिक्स के लास्ट क्लासिफिकेशन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, थेरेपेटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्यों कहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा डायूरेटिक्स है जो हमारे बॉडी से या ब्लड वॉल्यूम से पोटेशियम के लॉस को बचाता है। मोस्ट ऑफ द केस में इसे दूसरे डायूरेटिक्स एज लाइक लूप डायूरेटिक्स के साथ दिया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लूप डायूरेटिक्स सोडियम और पोटेशियम के लॉस को इनिशिएट करता है। ऐसे कंडीशन में पोटेशियम लॉस को प्रिजर्व करने के लिए हम लूप डायूरेटिक्स के साथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ऐसे डायूरेटिक्स जो सोडियम के लॉस को तो इनिशिएट करेगा, लेकिन पोटेशियम के लॉस को प्रिजर्व करके अपना डायूरेटिक इफेक्ट शो करता है, उस डायूरेटिक्स को हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहते हैं। इनके एग्जांपल की बात करें तो स्पिरनोलैक्टोन एंड अमीलोराइड इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। तो चलिए बात करते हैं स्पिरनोलैक्टोन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। क्या मतलब है इसका? ये एल्डोस्टेरोन को उनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स एज लाइक मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे बाइंड होने नहीं देगा, जिससे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, साथ ही पोटेशियम का लॉस भी प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो स्पिरनोलैक्टोन है उनका केमिकल स्ट्रक्चर एल्डोस्टेरोन की तरह ही मिलता जुलता है। ये एल्डोस्टेरोन की तरह ही दिखता है बट उसके तरह काम नहीं करता, तभी हम इसे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो जब हम स्पिरनोलैक्टोन जैसे डायूरेटिक्स लेते हैं तो ये एल्डोस्टेरोन के रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है और एल्डोस्टेरोन के अपोजिट इफेक्ट शो करने लगता है, जिससे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और पोटेशियम का सिक्रेशन कंजर्व हो जाता है। यही है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में रेगुलेट करता है। अब हम आएंगे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्पिरनोलैक्टोन को एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्यों कहते हैं और ये एल्डोस्टेरोन का हमारे बॉडी में क्या काम है। तो चलिए जानते हैं। एल्डोस्टेरोन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स एज लाइक मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे जाके कंबाइन होता है और आगे चलकर एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और यही एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। लेकिन हमें जरूरत है पोटेशियम के सिक्रेशन को प्रिवेंट करना, पोटेशियम को हमारे बॉडी से लॉस नहीं होने देना, साथ ही सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकना, इसलिए हम स्पिरनोलैक्टोन का यूज करते हैं। अब आते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। ये स्पिरनोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन की तरह मिलता जुलता है और उसके रिसेप्टिव रिसेप्टर्स एज लाइक मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है, जिससे ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है और एल्डोस्टेरोन के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और साथ ही पोटेशियम का एक्सक्रीशन प्रिवेंट होता है। इस तरह से ये अपना डायूरेटिक इफेक्ट शो करता है। इनके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो माइक्रोफाइन टैबलेट के रूप में अगर हम स्पिरनोलैक्टोन का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी बायो एविलिटी 75% है। इसके साथ ही ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और लीवर में कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। आगे चलकर ये एक्टिव मेटाबोलाइट एज लाइक कैनरेनोन में कन्वर्ट होता है, और इस कैनरेनोन के बारे में वेरियस टाइप के फार्मासिस्ट एग्जाम में MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करें तो 1 से 2 घंटे का होता है। अब बात करेंगे इनके थेरेपेटिक यूजेस के बारे में।
तो ये पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स को वीक डायुरेटिक्स माना जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में इसे मोर एफिकेशियस डायुरेटिक्स एज लाइक लूप डायुरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। आप सभी जानते हैं लूप डायुरेटिक्स एज लाइक फ्रूसेमाइड टोरासेमाइड हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के लॉस को इनिशिएट करते हैं, बट कुछ केस में हमें पोटेशियम के लॉस को बचाना होता है, पोटेशियम को हमारे बॉडी से निकलने नहीं देना होता है, इसीलिए हम पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स का यूज किसी लूप डायुरेटिक्स के साथ करते हैं। इसके साथ ही एडेमा के कंडीशन के भी ट्रीटमेंट में हम पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स का यूज करते हैं। कभी कभी लीवर में फ्लूड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिससे सिरोसिस ऑफ लीवर, एब्डोमिनल पेन, लीवर फेल्योर जैसे कंडीशन अपीयर्ड होते हैं। इस केस में भी हम एस्पिरिनोलैक्टोन का यूज करते हैं। एडेमा यानी फ्लूड एक्यूमुलेशन के कारण जो कंजेसिव हार्ट फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन के ट्रीटमेंट में भी हम एस्पिरिनोलैक्टोन का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। आप सभी जानते हैं एस्पिरिनोलैक्टोन हमारे बॉडी में पोटेशियम के लेवल को कंजर्व करता है। अगर हम इसके साथ कोई भी पोटेशियम सप्लीमेंट एज लाइक बनाना पीनट्स लेते हैं, तो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम का रिटेंशन होने लगेगा, जिससे हाइपरकैलेमिया जैसे कंडीशन अपीयर हो सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है। इसके साथ ही एस्प्रिन टैबलेट का यूज हम जब एस्पिरिनोलैक्टोन के साथ करते हैं, तो ये इनके ट्यूबुलर सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिससे कि ये मेटाबोलाइट कैनरेनोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसके साथ ही इनके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मेंटल कंफ्यूजन, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और लूज मोशन जैसे सिम्टम्स अपीयर्ड हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में या प्रोलॉन्ग्ड यूज करने से गायनिकोमास्टिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी देखा गया है। इनके डोजेस की बात करें तो 25 से 50 mg ट्वाइस अ डे या 4 times a day हम पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स का यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों।